लॉकडाउन स्पेशल स्वीट एट होम। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लॉकडाउन स्पेशल स्वीट्स ये मैंने बनाया है, और ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत अच्छा एक कलर भी आया है। तो आज मैं इसका प्रोसेस में बताने वाली हूँ, और आप लोग टाइटल देख के पता ही चल गया ये मैंने बनाया है कोकोनट का बर्फी। तो इसका प्रोसेस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आप पहले आप एक कढ़ाई में दूध ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 350 ml दूध लिया हूँ, और उसके अंदर अपने स्वाद अनुसार आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो ये दूध को मैं यहाँ पर थिकनेस बनाऊंगी, इसीलिए मैंने पहले ही इसमें चीनी डाल दिया है, और इसको बॉयल अच्छे तरह से इसको बॉयल होने देंगे, अच्छे तरह से इसको उबालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर दिया है इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग के पास बेकिंग सोडा है तो प्रेफरेबल आपको बेकिंग सोडा ही देना है, पर मेरे पास बेकिंग सोडा आज नहीं था तो मैंने बेकिंग पाउडर से इसको बनाया है। उसके बाद मैं और एक कढ़ाई लूँगी जहाँ पर मैं 2 चम्मच घी लूँगी और इसको अच्छे से गर्म होने दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 कप ले रही हूँ कोकोनट पेस्ट, और इसको अच्छे से घी में भूंज लूँगी। बहुत लो फ्लेम में मैं इसको भूंजी हूँ। ये भूंजने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो मिल्क मैंने रेडी किया है, वो मिल्क मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका थिकनेस बढ़ाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो मिल्क मैंने यहाँ पर बनाया है वो मिल्क को मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दे के इसका एक जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना, वैसे ही मैं इसको पेस्टिक बनाऊँ। आप चाहे तो इसमें फ्लेवर देने के लिए आप इलायची का दाना या फिर इलायची को पेस्ट करके आप इसमें डाल सकते हो, पर मैंने ये प्रोसेस स्किप किया क्योंकि मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक थाली में लेके इसको शेप डालूँगी, और उसके बाद जो प्रोसेस है आपको इसे फ्रिज में डालना पड़ेगा 30 मिनट्स के लिए। पहले इसको काट लूँगी, उसके बाद ही इसको फ्रिज में डालूँगी, और उसके बाद इसको मैं दिखाऊँगी कि कैसे ये बहुत हार्ड भी नहीं हुआ है, और बहुत मतलब जैसे बर्फी बनता है बिल्कुल वैसे बनती ही नहीं थी। तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसको इसको काट रही हूँ, और इसको काट के पिस्ता बादाम और किशमिश डाल दिया है, और देखिए कितना अच्छा से ये रेडी हो चुका है। और आप लोग देख भी पाएंगे कि ये एकदम कोकोनट बर्फी रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।